अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मुंबई का बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्पाइसी वड़ा पाव, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। और साथ में हम बनाएंगे इसकी दो स्पेशल चटनी, हरी वाली चटनी और लाल सूखी वाली चटनी, जो कि वड़ा पाव की जान होती है। तो इसे बनाना बेहद आसान है, आप इसे एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक मसाला, जिसके लिए हम लेंगे 1 इंच अदरक, इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया था। और साथ ही हम लेंगे 4 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन, और इन सबको डाल के हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो इस तरह से होना चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल, और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और तेल को गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, और इन सबको डाल के हमें इसे लो फ्लेम में इसे चलाते हुए भून लेना है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कड़ी पत्ता को डालने के बाद हमें इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हम लोगों ने पीस करके तैयार किया था, और इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसे पका लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, और इसे इस तरह से इसे एक बार चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू। तो यहाँ पे मैंने 1/2 किलो उबला हुआ आलू लिया था, और इसे हम इस तरह से हाथों से मैश करते हुए डालेंगे। तो आलू को डालने के बाद हमें इस तरह से चलाते हुए हमें आलू को भून लेना है, और एक मैशर की मदद से आलू को हमें इसे इस तरह से मैश कर लेना है। तो यहाँ पे आलू को बहुत अच्छे से मैश करना है, ताकि जो आलू का बड़ा साइज है वो अच्छे से इसमें मैश हो जाए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। आप यहाँ पे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। नमक डालने के बाद हमें इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है, और इसमें हम डालेंगे कटा हुआ धनिया। तो धनिया को भी डाल के हमें इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा आलू का मसाला जो है बन करके तैयार है। इसे हम एक प्लेट में इस तरह से ट्रांसफ़र करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा आलू का मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसके लिए एक बॉल में लेंगे 1.5 कप बेसन, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सबको डाल के हमें इसे मिक्स कर लेना है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर, और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम तेल। तो यहाँ पे जो तेल है वो गर्म होना चाहिए, और इसके बाद इन सबको डाल के हमें इसे मिक्स करना है, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें पानी एक ही बार में नहीं डालना है, हमें पानी को थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे चलाते हुए इस तरह से पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जो पेस्ट है वो ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए। तो इस तरह से बेसन का घोल बना करके तैयार कर लेंगे, और ढक करके इसे 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसके बाद हम लोग बनाएंगे वड़ा पाव की सूखी लाल वाली चटनी। तो इसके लिए हम लोग लेंगे 7 से 8 हरी मिर्च, और इसे हम लोग इस तरह से बीच से कट कर लेंगे, और साथ ही हम लोग लेंगे 12 से 15 लहसुन की कलियां। तो सबसे पहले हम लोग लहसुन को फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन को हमें इस तरह से फ्राई कर लेना है, और इसके बाद हम लोग जो हरी मिर्च है उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो हरी मिर्चों को भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जो हरी मिर्च है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। और इधर हमारा जो बेसन है वो अच्छे से सेट हो गया है, तो इसे हम लोग इस तरह से एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग बना लेंगे बेसन का चूरा, जो कि सूखी लाल चटनी में जाता है। तो इसके लिए गर्म तेल में हम लोग बेसन को इस तरह से हाथों से डाल देंगे। तो इस तरह से डालते हुए हम लोग बेसन का चूरा जो है वो बना करके तैयार कर लेंगे। तो बस इसे हाई फ्लेम में क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जो बेसन का चूरा है उसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, तो इसे हम लोग तेल से निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से जो है बेसन का चूरा बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जो बेसन का चूरा है वो बन करके रेडी है।
तो इस तरह से हम लोग इसे निकाल लेंगे। तो फटाफट से सूखी लाल वाली चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक मिक्सर का जार लेंगे और जो हम लोगों ने बेसन का जो चूरा बना करके रखा था वो हम लोग इसमें 1 कप ऐड करेंगे और साथ ही इसमें जाएगा फ्राई किया हुआ लहसुन जो पहले से हम लोगों ने फ्राई करके रखा था। और इसके बाद हम लोग डालेंगे 2 टेबल स्पून फ्राई किया हुआ मूँगफली, 1/2 टीस्पून नमक, नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और लास्ट हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पे हमें कश्मीरी लाल मिर्च का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च कम तीखा होता है और इसे डाल करके हमें दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह से हमें सूखी लाल वाली चटनी पीस करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा सूखी लाल वाली चटनी बन करके तैयार है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे हरी वाली चटनी। तो हरी वाली चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर के जार में लेंगे हम लोग 1 मुट्ठी धनिया पत्ता, साथ ही इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च और साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून नींबू का रस, 1/2 टीस्पून नमक, नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब पानी। तो यहाँ पे पानी डाल के हमें अच्छा से पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे जो हरी चटनी है वो बन करके तैयार है। तो यहाँ पर ही हरी और सूखी लाल वाली चटनी दोनों बन करके तैयार है। इसके बाद यहाँ पे जो आलू है वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग आलू का शेप दे देंगे। तो आलू का थोड़ा सा पोर्शन लेकर के इस तरह से राउंड करते हुए हमें इसका बॉल का शेप दे देना है। तो इसी तरह से हमें सारे आलू का बॉल का शेप दे देना है। तो इस तरह से हमें सारे आलू को इस तरह से बॉल बना करके तैयार कर लेना है। तो इधर हमारा जो तेल है वो भी अच्छे से गर्म हो गया है तो इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो गर्म तेल में बेसन में आलू का जो बॉल है उसे डाल करके इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जो तेल है वो बहुत ही अच्छा से गर्म होना चाहिए और गर्म तेल में ही हमें वड़ा को जो है फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आलू का मसाला जो है पहले से ही पका हुआ है और बेसन का जो लेयर है तो इसे ही फ्राई होने तक हमें मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसे पलट लेंगे। तो सारे वड़ा को हम लोग इसी तरह से पलट लेंगे और इसे उलटते पलटते अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर वड़ा में बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है तो इसे तेल से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें छानते हुए तेल से निकाल लेना है। तो यहाँ पे वड़ा पाव का सारा जो वड़ा है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे वड़ा पाव को हम लोग असेंबल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लेंगे पाव, पाव जो है वो फ्रेश होना चाहिए और इसे इस तरह से बीच से कट कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें लगाएंगे हरी वाली चटनी। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले हिस्से में हरी वाली चटनी लगाएंगे और साथ में हम लोग इसमें लगाएंगे मीठी वाली इमली की चटनी। अगर आपके पास मीठी वाली इमली की चटनी है तो आप लगा सकते हैं और अगर नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर वाले हिस्से में भी हरी वाली चटनी लगाएंगे और मीठी वाली चटनी लगाएंगे और इसके बाद हम लोग इसमें लगाएंगे सूखी लाल वाली चटनी ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों में और सेंटर में जाएगा गर्मा गर्म बटाटा वड़ा और सर्व करेंगे इसे फ्राई किया हुआ हरी मिर्च के साथ। यहाँ पे जो है वड़ा पाव बन करके तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से वड़ा पाव घर में ही बन करके तैयार हो जाता है। तो आप इसे एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। अगर मेरी रेसिपी मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।